तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक की घटना चक्र, जो वार्षिक अंक आती है, एक दृष्टि निकालता है आपका, उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आपकी योजनाएं और जो भी 2018 19 20 में आपकी परियोजनाएं रही हैं उनके बारे में बात की थी। इसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन अभियान के बारे में। याद रखिए, आपकी जितनी भी क्लासें हुई हैं अभी तक, उन्हें जाकर आप लोग समसामयिक की वार्षिक अंक के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डली हुई, ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। लास्ट में मैं ये क्या करूंगा, कोशिश पूरी रहेगी कि बहुत जल्दी सबको जोड़कर एक ही क्लास बनवा दूं, ठीक है। अभी उन्हीं से एडजस्ट करिए। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 14 अगस्त 2020 की बात है। इसका उद्देश्य क्या है? COVID-19 महामारी इस संकट पूर्ण दौर में प्रतिरक्षा को बढ़ाने प्रणाली को बढ़ाने वाली जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से इसे लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य को याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और कौन सा है। आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान। फिर आपने देखा है सहयोग से सुरक्षा अभियान भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 15 अगस्त 2020 बात है। इस अभियान का मुख्य विषय क्या है? सहयोग और समर्थन से ही विजय कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है, ठीक है। फिर आपने देखा है कि एक मास्क अनेक जिंदियां जिंदगी, जन जागरूकता अभियान, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को मास्क पहनने हेतु जागरूक करना और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना, ठीक है। अभी देखिए, कोरोना वायरस को जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, टीका नहीं आ जाता है, इसे रोकने का एक ही उपाय है आपके पास, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपनी सुरक्षा रखिए, मास्क पहनते रहिए और भी जो भी इस तरह की सुरक्षा उपकरण है, ठीक है। फिर आपने देखा है प्लाज्मा दान अभियान भी चलाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा नई दिल्ली में स्थित एम्स में शुभारंभ किया गया है 19 जुलाई 2020 को। इसका उद्देश्य है लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। फिर आपने देखा है कि विशेष संचारी रोग अभियान भी चला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ द्वारा इस अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है 1 जुलाई 2020 की बात है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित किया गया है। कितने? 75 जिलों में। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग नीचे लिखिए कि आपके यहाँ लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है और विधान परिषद सीटें कितनी है, और आपके विधायक मतलब विधान परिषद सीटें कितनी है, सभी चारों को लिखिए, ठीक है। हैज आई कमिट अभियान हैशटैग नहीं देखते हैं आप लोग। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो आर के सिंह है, इनने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आपने सुना होगा श्रम सिद्धि अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में इस अभियान की शुरुआत की है। 22 मई 2020 की बात है। इस अभियान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को प्रदान को काम दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा है मिशन सागर भी चलाया गया। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीपीय देशों की COVID-19 महामारी जनित परिस्थितियों में सहायता हेतु इस मिशन का शुभारंभ किया गया 10 मई 2020 की। मिशन सागर 5 द्वीपीय देश कौन कौन से? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कॉमोरोस। तो इन्हें पांचों को याद रखिए, इनकी मदद के लिए मिशन सागर चलाया गया था। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के पोत INS केसरी की तैनाती की गई थी, तो INS केसरी को भी याद रखिए। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली आजकल शुरू हो चुकी है, तो देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते COVID-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए, भारतीय थल सेना द्वारा है, 27 मार्च 2020 की बात है। अजय वॉरियर 2020 भारत एवं यूनाइटेड किंगडम की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण सेलिसबरी मैदान में यूके में आयोजित हुआ है 13 से 26 फरवरी 2020 के बाद। फिर आप देखेंगे संप्रीति 2020 यानी कि 2020 भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ है 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य।
ये आपसे पूछेगा अजय वॉरियर किस किस के बीच होता है, तो याद रखना ये भारत और यूनाइटेड किंगडम की थल सेनाओं के मध्य होता है, कहाँ हुआ है, यूके में, ठीक है। और संप्रीति किसके बाद, ये भारत और बांग्लादेश के बीच, ये नौवां संस्करण है। और ये पांचवा था किसके कहाँ किस किस के बीच है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कहाँ हुआ है, उमरोई मेघालय में, ठीक है, हमारे ही देश में। सहयोग काइजिन 2020, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। आप देखते हैं कि हमेशा इस तरह के जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिए। ऑपरेशन वनीला, भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु इस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया, जनवरी 2020 की बात है। यह ऑपरेशन चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही से मेडागास्कर के प्रभावित लोगों की सहायता हेतु चलाया गया था। पर आपका अपहरण रोधी अभ्यास, दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा यह अभ्यास केरल स्थित कोची पतन पर आयोजित किया गया, 18 दिसंबर 2019 की बात है। इस अभ्यास का कोड नाम क्या है, अपहरण, क्या है, अपहरण। फिर आप देखेंगे आगे है आपका डस्ट लीग 2019, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास चिरचिक ट्रेनिंग एरिया ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, 4 से 13 नवंबर 2019 के बीच। तो याद रखिए डस्ट लीग एक किस किसके बीच है, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य पहला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है चिरचिक ट्रेनिंग एरिया ताशकंद में। अभ्यास शक्ति 2019, भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 के मध्य। धर्म गार्जियन 2019, तो याद रखना भारत एवं जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के बरेंगेते मिजोरम स्थित काउंटर इंजर्जेंसी एंड जंगल वार फेयर स्कूल में आयोजित किया गया, ये 19 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के बीच। तो याद रखना धर्म गार्जियन किसके बीच है, भारत और जापान के बीच। सैन्य मैत्री अभ्यास 2019, तो ये भारत और जापान की वायु सेनाओं के मध्य स्थित है, द्विपक्षीय वायु सेन अभ्यास वायु सेना स्टेशन अर्जन सिंह पानागढ़ पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया, 17 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य। तो याद रखना ये धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और सिनियो मैत्री ये भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच है, ठीक है। और बस इतना ही याद रखिए, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त कॉरपेट 2019 दूसरा संस्करण है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, 10 से 11 अक्टूबर 2019 के बाद। इस 2 दिवसीय साझा गश्त के बाद भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, 10 से 16 अक्टूबर 2019 की बात है। वज्र प्रहार 2019, तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट बेस लेविस मैकोर्ड सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो याद रखना है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है, इस बार ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये अमेरिका में हुआ है। एक्वेरियन 2019, तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑन मिलिट्री स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। तो एक्वेरियन किसके बात है, भारत और मालदीव के बीच। नोमेडिक एलिफेंट 2019, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ये बकलोई मंगोलिया में आयोजित, कहां, मंगोलिया में आयोजित किया गया। कजिंद 2019, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड यानी कि भारत में आयोजित किया गया, 3 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच, कजिंद, ठीक है। तो याद रखिए अभ्यास मालाबार 2019, भारत और अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य समुद्री अभ्यास का 23वां संस्करण है, जापान के तट के निकट आयोजित किया गया, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 के बीच। तो याद रखना अभ्यास मालाबार में भारत अमेरिका और जापान के बीच होता है, नौसैन्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। भारत सैन्य अभ्यास हिम विजय अरुणाचल प्रदेश में 2 चरणों में हुआ है, पहला चरण आपका 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2019 के बीच, दूसरा चरण आपका 10-20 से 24 अक्टूबर 2019 के बीच। पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह का यह पहला सैन्य अभ्यास है, भारतीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ जो भी ऑपरेशन रहे हैं, अभियान भी रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2019
उन्नीस में, 2019 में हुए हैं, 20 के शुरू में कुछ दिन हुए, उसके बाद आपने देखा सब कुछ रुक गया, तो ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाया। और तो ये हो गया आपकी ऑपरेशंस अभियान जो भी रहे। अब हम आगे बात कर लेंगे, एक छोटी सी क्लास रखेंगे, आयोग और समितियां देख लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग छोटी छोटी इसलिए रख रहा हूं कि अभी देखिए लास्ट में जोड़ना है ही, आप समझ रहे हैं, और आपको ठीक है प्रॉब्लम होती, मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि पूरा लिखिए, फिर आप सोच रहे हैं कि टैग लगाइए उसमें, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इसलिए थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम, मैं भी सहूलियत चाहता हूँ, और लास्ट में भरोसा दिलाया ना कि बहुत जल्दी जैसे ही कवर होगा मैं इन सबको जुड़वा दूंगा, मतलब एक करवा दूंगा, ठीक है, और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और खत्म होता है तो पीडीएफ भी सभी इकट्ठी करके आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा।